जय हिंद बच्चों, आज क्लास 9th में चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल को हमने स्टार्ट करना है। और क्या होता है ये बहुपद, इसके लिए टर्म बाय टर्म हम समझेंगे। सबसे पहले बहुपद को अगर समझना है तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी जो हमने कुछ 8th क्लास में भी पढ़ रखी हैं। इसमें सबसे पहले है बीजी व्यंजक, जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। तो बीजी व्यंजक क्या होते हैं, इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, या फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस सिक्स, या फिर 2xy+7, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनको कहते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है चर और एक आता है अचर, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। मतलब चर को हम कहते हैं वेरिएबल्स और अचर को बोलते हैं हम कांस्टेंट। तो अचर या फिर कांस्टेंट क्या होते हैं, ऐसी चीजें, ऐसे टर्म्स, ऐसे पद जिसका मान हमेशा सेम रहता है, जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे अगर मैं यहीं पर देखूं तो ये जो वन है ये कांस्टेंट है, अचर है। ये सिक्स एक कांस्टेंट है, अचर है। ये सेवन एक कांस्टेंट है, अचर है। इनके अलावा इसमें एक्स और वाई यूज कर रखे हैं, ये आपके चर है या फिर वैल्यू। एक एक ही रहेगा, छह छह ही रहेगा, सात सात ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो एक्स वाई है इनके वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। यहां पर भी जो वाई है इसकी वैल्यू अलग हो सकती है, यहां पर एक्स वाई की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। तो ये होता है हमारे पास बीजी व्यंजक या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से निकलकर ही आया है हमारे पास पॉलिनोमियल। जब हम पॉली कहते हैं, या हिंदी में बहु, बहु का मतलब बहुत सारे, पद का मतलब कितने स्थान पर बैठे हुए, कितने स्थान है वहां पर। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर इसके कितने पद हैं, एक दो तीन, यहां पर कितने हैं, एक दो तीन, यहां पर कितने हैं, एक दो। इसलिए इसको इसमें तीन पद हैं, इसमें तीन पद हैं, इसमें तीन पद हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको लिख दूं तो इसमें कितने पद हैं, एक। तो ये एक पद ही हो जाता है, ये द्विपद होता है, ये त्रिपद होता है, ये भी त्रिपद होता है। तो एक पद से बड़े पद वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको बोलते हैं हम बहुपद। तो ये आपका एक पद ही हो गया और बाकी इनको हम बहुपद में गिन लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास बीजी व्यंजक। अब हमारे पास अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है, वो है एक चर वाले बहुपद। अब आप देख सकते हो यहां पर हमने कितने चर यूज किए हैं, दो। कितने वेरिएबल्स यूज किए हैं, दो, एक्स और वाई। यहां पर कितने किए हैं, एक, सिर्फ वाई यूज किया है। यहां पर कितने किए हैं, दो, ठीक है, और यहां पर कितना किया है, एक। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं ये एक चर वाले बहुपद हो गए, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास कितने चर यूज हो रहे हैं, सिर्फ एक हो रहा है। इसके अलावा हम और भी इस टाइप के उदाहरण ले सकते हैं। यहां पर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये बहुपद है। मैंने आपको बता दिया एक पद से ज्यादा होगा, एक या एक पद से ज्यादा होगा तो उसको हम बहुपद की श्रेणी में रख लेते हैं, ठीक हो गया। इसमें कितने पद है, एक दो तीन चार, और कितने चर यूज हुए हैं, एक, जो कि एक्स है, ठीक हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं हम एक चर वाले बहुपद। यहां पर ये भी एक चर वाला बहुपद है, ये भी एक चर वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चर यूज हुआ है जिसको वाई कहते हैं, और इसमें एक ही चर यूज हुआ है जिसको एक्स कहते हैं। बाकी ये दो चर वाले बहुपद हो गए क्योंकि उनमें एक्स और वाई चर यूज हुआ है। तो हमारे पास ये दो टर्म्स हो गए। मैंने एक चर वाले बहुपद के अंदर ये तीन चीजों को रखा है। एक पदी का मतलब क्या होता है, द्विपदी का मतलब होता है, त्रिपदी का मतलब क्या होता है। एक पदी जिसको मोनोमियल कहते हैं, द्विपद जिसको बाइनोमियल कहते हैं, त्रिपद जिसको ट्राइनोमियल कहते हैं। अगर मैं मोनोमियल में एक एग्जांपल लिखूं तो सिंपल 2x लिख दिया, ये मोनोमियल के एग्जांपल हो गए। याद रखें हमें सिर्फ एक ही चर यूज करना है यहां पर। अब इसके बाद हम दो चर वाले बहुपद के बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम कितने चर यूज करेंगे, सिर्फ अब एक। इसके बाद जितने भी हम चीजों में बात करेंगे उसमें सिर्फ एक ही चर यूज करेंगे, पद उसके बहुपद होंगे, ठीक है। द्विपद का मतलब हो गया जैसे x प्लस वन लिखा तो इसमें कितने पद आ गए, दो आ गए। त्रिपद का मतलब हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपके त्रिपद हो गए क्योंकि इसमें मैंने तीन पद इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक चर वाले बहुपद के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म होता है। इसके बाद आते हैं गुणांक। गुणांक क्या होता है, गुणांक को समझने के लिए एक हम बहुपद को लेते हैं, एक पॉलिनोमियल को हम लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिया 2x, x क्या है यहां पर,
एक वेरिएबल है मतलब एक चर है, तो टू क्या है, एक अचर है मतलब कांस्टेंट है। तो जब किसी चर के साथ ये जो संख्या होती है, इसी संख्या को हम इस पद का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक है, अगर मैं दूसरा एक और एक्सप्रेशन लूं जैसे 7x प्लस 1 लिखूं, तो मैं तुमसे कहूं यहां पर x का गुणांक क्या है, तो तुम बोलोगे 7। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे कहूं कि 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 में, इस पद में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोफिशियंट क्या है, तो तुम बोलोगे 4। इस पद में x का गुणांक क्या है, x का कोफिशियंट क्या है, आप बोलोगे 7। और बाकी ये तो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है मतलब एक अचर है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि गुणांक क्या होते हैं। अब आते हैं हमारे पास अचर बहुपद। जब अचर बोल रहे हैं तो इसमें मतलब उसमें चर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं एक अचर बहुपद लूं, जैसे मैंने लिखा सिर्फ 2 लिखा, तो ये 2 एक अचर बहुपद है। अगर कहीं पर मैं लिखता हूं -7/6, ये एक अचर बहुपद है, क्योंकि पता ही लग रहा है आपको ये है अचर। अगर कहीं पर x डाल दिया जाए या y डाल दिया जाए तो वहां एक चर और आता है, तो अचर और चर मिलकर एक चर बहुपद बनाते हैं, तब वो अचर बहुपद नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसको कांस्टेंट पॉलीनोमियल भी कहते हैं, ये भी कांस्टेंट पॉलीनोमियल है। अगर सिर्फ लिखा मैंने -5 तो ये भी कांस्टेंट पॉलीनोमियल है। अगर मैं लिख रहा हूं 100 तो ये भी आपका क्या है, एक कांस्टेंट पॉलीनोमियल है। इसके अलावा इसमें एक चीज और यूज हुई है, वो है शून्य बहुपद, 0 पॉलीनोमियल। नाम से ही स्पष्ट है, नाम सब कुछ बता दे रहा है इसमें। शून्य बहुपद या 0 पॉलीनोमियल का मतलब सिंपल क्या होता है, 0। 0 को ही हम 0 पॉलीनोमियल कहते हैं। अब आते हैं बहुपद की घात या डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। तो एक पॉलीनोमियल लेते हैं और उसकी डिग्री समझते हैं। हमने यहां पर लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपसे कहा है कि इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या है, इस बहुपद का घात क्या है। तो आप देखो इसमें चर राशि कौन सी यूज हुई है, कौन सा चर यूज हुआ है, एक्स। इसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है, यहां पर देखेंगे एक्स की पावर है 2। यहां पर एक्स की पावर कुछ लिखी नहीं है, मतलब 1 है, और यहां पर तो है ही नहीं, वैसे होता है वह कहीं पर अगर सिर्फ चर हो अचर हो उसके साथ x की पावर 0 होती है। अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पर देखें x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2। तो इस बहुपद की, इस पॉलीनोमियल की घात कितनी होगी, 2 होगी। तो इस पूरे पॉलीनोमियल की घात या डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 होगी। एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 है, इसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3। तो इसका मतलब है इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 3। यहां पर देखें हमारे पास x4 प्लस x3 प्लस 1 है, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। इसका मतलब है इस बहुपद की डिग्री भी कितनी होगी, 4 होगी। तो ये हमारे पास जो अगला टॉपिक था ये भी हमने फिनिश कर लिया। अब हमारे पास अगला है द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्विघात, द्विघात। अब द्विघाती का मतलब होता है जिसकी 2 घात हो, मतलब 2 पावर हो, 2 जिसकी पावर हो। मैंने 2-3 एग्जांपल दिए थे, जैसे ये है 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, या फिर y स्क्वायर प्लस 1। ये जो दो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, इक्वल टू जीरो नहीं भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो 2 है ना घात, इसलिए इसको कहते हैं द्विघाती बहुपद। इसमें y की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, इसलिए इसको भी कहते हैं द्विघाती बहुपद। ठीक हो गया। लेकिन अगर कहीं पर लिखा है 7y प्लस 6, इसमें y की सबसे बड़ी पावर कितनी है, कोई पावर नहीं लगी, तो मतलब 1 है, सबसे बड़ी पावर 1 है, जो कि ये द्विघाती बहुपद नहीं माना जाएगा। तो इस तरह के जितने भी आपके एक्सप्रेशन होंगे, पॉलिनोमियल होंगे, जिनमें x की हाईएस्ट पावर 2 होगी, मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होता है, उनकी सबसे बड़ी घात अगर 2 होगी, तो हम उनको ही कहेंगे द्विघाती बहुपद। तो इस तरीके से हमने बहुपद के जो इंट्रोडक्शन है उसमें कई सारी छोटी छोटी चीजें हमने कर ली हैं। छोटी क्लास में भी हमने कुछ चीजों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम हमारी एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में एक चर वाले बहुपद हमें बताना है और कारण भी बताना है कि क्यों उसको एक चर वाले बहुपद कहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं
कि हमारे पास ये जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें चर कौन यूज हुआ है, इसमें एक्स चर यूज हुआ है, इसमें वाई चर यूज हुआ है, इसमें टी चर यूज हुआ है, इसमें वाई यूज हुआ है और इसमें एक्स वाई और टी यूज हुआ है। तो पहले तो समझ लें कि ये एक चर वाले बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें तीन चर यूज हुए हैं, इसका मतलब है ये एक चर तो है ही नहीं। तो आपको ये पहले बताना है क्योंकि इसमें x, y, t तीन चर हैं, इसलिए इसको एक चर वाला बहुपद हम नहीं कहेंगे। ठीक है, इसमें एक चर है, एक चर है तो ये सही है, एक चर वाला बहुपद। इसके लिए कोई कारण हमें नहीं बताना, हमें सिर्फ कारण उनके लिए बताना है जो एक चर नहीं है। यहां पर भी एक ही चर यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पर भी इन दोनों क्वेश्चन में भी एक ही चर यूज हुआ है, लेकिन इसको एक चर वाला बहुपद हम नहीं कहेंगे। अब क्यों नहीं कहेंगे? एक चीज आप जरूर ध्यान में रखें कि हम सिर्फ उसी एक्सप्रेशन को, उसी बीजी व्यंजक को या उसी जो भी टर्म्स हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है उसी को हम बहुपद कहेंगे जिसमें जो चर है उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? आपको कुछ एक्सप्रेशंस दे रहा हूं, जैसे हमारे पास मैंने लिखा x क्यूब प्लस 3, एक एक्सप्रेशन ये लिखा, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 काउंट करते जाओ। अच्छा, दूसरा मैंने लिखा x की पावर 1/2 प्लस 6। अब यहां देख सकते हैं, यहां जो x की पावर है वो एक पूर्ण संख्या नहीं, मतलब होल नंबर नहीं है, मतलब 1/2 है। तो इस तरह की संख्याओं कभी भी बहुपद नहीं माना जाता, पहली चीज। दूसरा, अगर हमारे पास ऐसे लिखा है, ठीक है, और इसको भी एक बहुपद नहीं माना जाएगा क्योंकि यहां x की पावर कितनी है? 0.6, जो कि एक बहुपद, जो कि एक पूर्ण संख्या है, मतलब होल नंबर नहीं है। तो ऐसे ही हम यहां देखें, हमारे पास ये है रूट टी। अगर हम रूट टू है तो रूट टू का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, हमेशा याद रखें। रूट थ्री का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। रूट फोर का मतलब होता है 4 की पावर 1/2। रूट फाइव का मतलब होता है 5 की पावर 1/2। उसी तरीके से रूट टी का मतलब क्या होता है? t की पावर 1/2। तो अगर इस पूरे हमारे पास अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें जो निम्नलिखित आपके बहुपद हैं उनमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें निकालना है। आपको बता चुका था कि गुणांक क्या होता है, उस पद में आई हुई संख्या को हम गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर एक चर राशि है, तो मतलब आपका वेरिएबल है, तो इसके साथ कौन सी संख्या है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारे पास है ना, तो इस एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है? अब कोई नंबर नहीं है तो 1 है। कोई नंबर अगर नहीं लिखा है, यहां भी जैसे एक्स है ना, एक्स के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो मतलब 1 है, ये चीज आप ध्यान में रखें। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? साइन के साथ लेंगे -1। तो इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, गुणांक वो कितना हो गया हमारे पास? -1। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, हमने ऐसे लिख लिया। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ रखी गई संख्या क्या है? π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर हमारे पास कितना आ गया? गुणांक ये हो जाएगा π/2। अभी हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। अब इसमें देखें, इसमें कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो तुम एक्स स्क्वायर दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो? अलग से लिख लो 0 × x2। जब कोई चीज है ही नहीं तो उसको 0 × करके लिख सकते हैं। आप नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, हम सीधे से बोल सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर है नहीं तो इसका मतलब उसका गुणांक क्या हो गया? 0। पर अगर आपको वैसे समझना है तो हम इसको लिखते हैं √x − 1, इतना क्वेश्चन में था, प्लस 0 × x2, ठीक हो गया। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 0, क्योंकि 0 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 0 हो गया, और 0 किसी भी संख्या के साथ, किसी नंबर के साथ ऐड कर लो तो वापस वही एक्सप्रेशन हमारे पास आता है। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो। बस थर्ड क्वेश्चन है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना है हमें। 35 घात के द्विपद, तो 35 घात के द्विपद का मतलब हो गया, जैसे मैंने लिखा एक्स की पावर 35 प्लस द्विपद बनाना है तो ये दो पद हो गए। यहां कुछ भी दे सकते हो, चाहे तो आप नंबर भी दे सकते हो, जैसे मैंने 1 लिखा, मतलब इसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 35 ही होनी चाहिए, और बाकी जो एक्स आप लिखो वो उसकी पावर उससे छोटी होनी चाहिए। तो ये एक उदाहरण हो गया। आप और लिख सकते हो, जैसे 7x
की पावर 35 प्लस एक्स थ्री, ये एक और उदाहरण हो गया 35 घात के द्विपद के लिए। अब हम आते हैं 100 घात के एक पदी, आपको सिर्फ एक ही पद लिखना है, मतलब एक टर्म लिखनी है, तो x की पावर 100 आगे कुछ रख लो, या फिर 1/7 y की पावर 100 आप इसको भी बोल सकते हो, या फिर 5/7 माइनस z की पावर 100, ये सारे आपके 100 घात के एक पद ही हैं, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है चर है उसकी पावर 100 है, इसमें भी वेरिएबल है उसकी पावर 100 है, इसमें भी जो वेरिएबल है उसकी पावर 100 है, आगे कोई भी संख्या लगा सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने गुणांक तो पढ़ा था, यहां पर z 100 का गुणांक क्या है -5/7, y 100 का गुणांक क्या है 1/7, x 100 का गुणांक क्या है 7, मतलब कोफिशियंट। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला है प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। घात का मतलब उस बहुपद में जो चर आपने यूज किया है, मतलब जो वेरिएबल यूज किया है उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहां पर जो वेरिएबल यूज हुआ है, मतलब चर यूज हुआ है, वो है एक्स। तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो यहां पर जो घात हो जाएगी वो इस बहुपद की कितनी होगी 3। इसमें जो चर यूज हुआ है, जो वेरिएबल यूज हुआ है वो है वाई, तो यहां पर उसकी घात कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। यहां पर जो वेरिएबल यूज हुआ है वो है टी, तो टी की पावर कुछ लिखी नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1, तो यहां पर इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। अब यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, कोई चर कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। इस सिर्फ संख्या अगर कहीं लिखी होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल या फिर अचर बहुपद। तो हमेशा याद रखें अचर बहुपद का जो घात होती है वो 0 होती है, वो शून्य होती है। क्यों होती है उसका मतलब मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने ये कोई चर कोई वेरिएबल लिखा है, अगर मैं इसकी पावर लिखता हूं 0 तो 1 होता है। तो किसी भी नंबर चाहे वो चर हो या अचर हो, अगर उसकी पावर में आपने 0 लिख दिया है तो पूरा कितना आंसर देगा 1। अगर ये 3 है तो अगर मैं 3×1 लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि 3×1 तो 3 ही होता है। तो और मैं 1 को हटा के इसी जगह क्या लिख दूं, एक्स की पावर 0। अब देखो इसमें घात कितनी है, घात है इसकी 0। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है।